यूथ को बदजन किस तरह किया जा रहा है पाकिस्तान से, और बड़ी लॉजिकल मिसालें देते हैं, बड़ी जायज बातें करते हैं और यूथ हमारी सुनती है, उन बातों में आती है। मिसाल के तौर पर आपको बताया जाता है कि पाकिस्तान में पानी के कूलर से ग्लास बांधना पड़ता है, कि यहां के लोग तो बेईमान है। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि यह पानी का कूलर इस चलती राह में किसी आदमी ने सिर्फ सवाब के उसूल की खातिर लगवाया। आपको यह बताया जाता है कि मस्जिद के बाहर से जूते उठा लिए जाते हैं। पाकिस्तान में खुदा का घर भी महफूज नहीं है। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि ये जो मस्जिद बनाई गई है, इसे बनाने और इसकी मेंटेनेंस के लिए कितने ही लोग अपनी लामहदूद या महदूद आमदनी में से 10 या 20 रुपए से लेकर लाखों के चेक्स की सूरत में इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपको यह बताया जाता है कि किसी जगह पाकिस्तान में एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने जख्मियों के बटुए तक निकाल लिए। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि इसी पाकिस्तान में इन जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाले और फिर उन अस्पतालों में सैकड़ों के हिसाब में खून लेकर पहुंचने वाले, खून देने जाने वाले भी इसी धरती के वासी हैं। यकीन माने, पाकिस्तान में कोई धमाका होता है तो आपके बड़े अस्पतालों के बाहर 1 या 2 घंटे बाद बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि मजीद खून की जरूरत नहीं है, रश ना बनाया जाए। इसके अलावा और मिसालें देखें, आपको बताया जाता है कि जलजले में मिलने वाली इमदाद लोग खा गए। पाकिस्तान एक करप्ट कौम है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि यही पाकिस्तानी कौम थी जिसने अपने जलजला जदगान भाइयों के लिए अपने घरों से नए बिस्तर निकालकर लाखों की तादाद में राशन इन अपने भाइयों के लिए भेजा। आपको यह बताया जाता है कि किसी नाके पर किसी पुलिस वाले की फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। लेकिन उन पुलिस वालों और उन जवानों की आपको कुर्बानियां नहीं बताई जाती, बिल गेट्स के फलाही कामों की मिसाल दी जाती है। अब्दुल सत्तार ईदी और रमजान छीपा को भूला जाता है। डॉक्टर अदीब रिजवी की मिसालें नहीं दी जाती। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के असातिज़ा जाहिल हैं, जो बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। वो आपकी तायरा काजी को भूल जाएंगे जो एटीएस में अपनी जान दे गई और बच्चों को बचाने की कोशिश में। मसला ये है कि वो आपके मुल्क के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताते हैं और बड़े ऐसे अंदाज से आपको बताया जाता है सोशल मीडिया पर, लेकिन कहीं भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट नहीं किया जाता। ये एटीट्यूड भी गलत है। हर चीज को एक स्पेसिफिक आईने से देखना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक नुक्ता नजर से देखने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे बड़ा मसला है हमारी कौम का। तो पोटेंशियल है, आसानियां, वो कहते हैं ना कि अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो कोई भी सक्सेस स्टोरी आपको जो दूसरी साइड भी सुनाती है उसमें फेलियर्स होते हैं। तो हमने, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इन फेलियर्स को यूटिलाइज किस तरह करते हैं, इस्तेमाल किस तरह करते हैं। वक्त ज्यादा आपका ले रहा हूं, एक छोटी सी नज्म के साथ, इस नज्म के पैगाम के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, ना खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, ना हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी, मेरे वतन के उदास लोगों, उठो और उठकर वतन संभालो, उठो और उठकर वतन संभालो। थैंक यू जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद।